पूरे देश में कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन घोषित है। इसी दौरान मुरादाबाद जनपद में एक अनोखी घटना ने लोगों के साथ पुलिस को भी मुश्किल में डाल दिया। दरअसल महानगर मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र में पुलिस को एक घर में सांप होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने सांप को निकालने के लिए एक रेस्क्यू अभियान चलाया। इसी दौरान घर में एक नहीं बल्कि दो कोबरा सांप होने की जानकारी हुई, जिसके बाद घर में रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया। बामुश्किल दोनों सांपों को रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। थाना कटघर क्षेत्र के पंडित नगला मोहल्ले में लॉकडाउन के दौरान अजीब और गरीब घटना देखने को मिली। दरअसल एक दो मंजिला मकान की दूसरी मंजिल पर लोगों ने एक सांप घूमते हुए देखा, तो पुलिस से मदद मांगी गई। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने एक स्थानीय युवक को सांप पकड़ने के लिए बुलाया। युवक ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया तो घर में एक नहीं बल्कि दो कोबरा सांप होने की जानकारी कोबरा सांप का जोड़ा मिलने से स्थानीय लोगों में दहशत मच गई। पुलिस ने लोगों को बामुश्किल नियंत्रित किया और सांपों को पकड़ने का अभियान जारी रखा। एक घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद युवक ने 5 से 6 फीट लंबे दो सांपों को पकड़ा, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। अरे नहीं, नाम भी लगा दो। ये अनीस भाई है मुरादाबाद के दारा शाहवला की चक्कर की मिला। बाल्टी भी नहीं आया भैया, बड़ा जाल लो कोई। भाई साहब ढक्कन होना चाहिए। चुनली वाला हम जाल चाहिए, चुनली वाला लाओ आप, जाल लाओ मैं बता दूंगा। हाँ तो चल यही हो इतना कि बाएं हाथ का जो पंप है वो उसके पीछे थे। ये क्या कर रहे हो? अरे जाल ले आओ, तो इतनी देर हो गया। हां जाल जल्दी मंगाओ। हां देखो इसमें आ जाएगा। गलत छोड़ दे उन्हें, चलो ढक्कन 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 मुझे ले लो आप जरा। भैया क्या नाम है आपका? अनीस अहमद नाम है मेरा। अनीस जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? चक्कर की मिलक मुरादाबाद थाना सिविल लाइन। अच्छा क्या सूचना आई थी और कहाँ से सूचना आई थी? 112 से मेरे पास कॉल आई थी कि पंडित नगले में जो एक सांप है और वो आपको पकड़ना है, तो उनकी सूचना पर मैं गया वहाँ। और मैं जब गया तो वहाँ पर जो है वो सांप देखा तो एक नहीं थे बल्कि दो थे और बहुत खतरनाक सांप थे। कहाँ, नीचे थे या ऊपर थे? ये दूसरी मंजिल पर थे जीने पर। जाकर क्या देखा आपने वहाँ पर? वहाँ पे देखा वो एक बता रहे थे, लेकिन वहाँ मैंने देखा तो ये दो थे, दोनों मुझे देख करके खड़े हो गए। तो बड़ी मेरा मुश्किल में और बड़ी परेशानी के साथ में मैंने इनको पकड़ा। और मैं कौन सी जाति के सांप है? इसे कोबरा जाति के सांप है और इनकी लंबाई 5 से 6 फीट लंबी है इनकी। क्या कैसे कितने खतरनाक होते हैं ये? बहुत खतरनाक होते हैं ये वो सांप जो है, कोबरा जो जाति होती है वो खतरनाक होती है। और इसके काटने से जो है वो दो घंटे का समय लगता है बस। दो घंटे क्या लगता है? दो घंटे में मतलब ये मृत्यु हो जाती है। अच्छा पकड़ने के बाद क्या करते हो इनका? इनको पकड़ के हम जो है जंगल छोड़ देते हैं। और करीब 30 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ मुरादाबाद में, सभी के लिए मैं चला जाता हूँ, किसी टाइम बुलाते हैं उसी टाइम चला जाता हूँ। क्या कोई चार्ज वगैरह लेते हैं आप इनको पकड़ने का? हाँ बस चार्ज मैं थोड़ा सा लेता हूँ, जो कि इनका खिलाना लाना पड़ता है, छोड़ने के लिए खर्च आता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा चार्ज लेता हूँ। क्योंकि मेरी सरकार की तरफ से कोई भी जो है इसकी सुविधा नहीं मिलती है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, ना मुझे कोई पैसे मिलते हैं।